महादेव की नगरी बनारस से जो कि सर में स्वागत है। आज देखिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ज्योमेट्री का जो है क्लास सिक्स पढ़ाने वाला है, ओके। और जो है इससे पहले अगर जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर क्लिक कर ले, ओके। चलिए दोस्तों आज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है साइन और कोसाइन के बारे में बताऊँगा। देखिए ये दोनों आप अगर अच्छे से समझ जाएंगे फिर उसके बाद जो है इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा मैं सारा जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा ताकि आपका जो है प्रैक्टिस अच्छा से हो जाएगा, तब कोई भी एग्जाम देंगे आपका जो है अच्छे से वहां पे क्लियर हो पाएगा। ध्यान से समझिएगा, मैं पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसके बाद जो है पढ़ाएंगे, ओके। चलिए जो है शुरू करते हैं। देखिए ये समझ लीजिए कि त्रिभुज है, ओके दोस्तों। अब मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। आपको बताया था इसके सामने का स्मॉल ए हो जाएगा, इसके सामने का स्मॉल सी, इसके सामने का स्मॉल बी, ओके। आप इस तरीके से पहले सवाल जो है आप पढ़े होंगे नाइन्थ या टेंथ में, टेंथ की ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े होंगे कि हम लोग को टीचर बताए थे कि आप ऐसे करेंगे ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी, ओके। बराबर के मान लीजिए क्या है, एक कॉन्स्टेंट है। ध्यान समझिएगा, आप इसको रेशियो में निकालेंगे तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या लिखेंगे, साइन ए इंटू के, के इंटू साइन बी, के इंटू साइन सी। आप ऐसे तो लिख सकते हैं, आप यहां से सिंपल वे में पहले के देखिए सब में है तो के क्या करेंगे काट देंगे, यानी आप यहां से ऐसे आप लिख सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर साइन ए साइन बी साइन सी, ये तो आप लिख सकते हैं, ओके दोस्तों। पहले आप जो है इसको अच्छे से पहले नोट करिए, फिर इसके बाद बताएंगे कि ये कैसे आता है, इसको मैं प्रूफ भी कराएंगे। देखिए टेंथ में हम लोग के टीचर बस रटवा दिए थे कि ऐसे होता है बस वहाँ पे, लेकिन आपको कंसेप्ट नहीं बताए थे, कहने का मतलब थ्योरम जो है प्रूफ नहीं करवाते, बट यहाँ पर मैं जो है थ्योरम को प्रूफ करवाएंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि ये आता है कैसे, ओके। ये कैसे आता है मैं वैसे बताऊँगा, पहले जो है आप इतना जो है पहले नोट कर लीजिए। देखिए कैसे आता है मैं पहले उसको जो है बताता हूँ, ध्यान से आप समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ये मान लीजिए त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आप ऐसे तो कर सकते हैं, आप यहाँ से एक जो है बीच में लाइन ड्रॉ कर दीजिए, आप इसको एच मान लीजिए, ओके। आपको बताए थे ए के सामने इसका जो है लंबाई कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका लंबाई बी, इसका लंबाई सी। आप ऐसे तो कर सकते हैं, आप यहाँ से क्या लिखेंगे, अब जो है इसका जो है मान लीजिए एंगल बी हो जाएगा इसके सामने का, और इसके सामने का एंगल सी हो जाएगा। आप यहाँ से लिखेंगे कि साइन बी बराबर क्या लिखेंगे, साइन बी बराबर आधार बटे क्या होता है कर्ण। नहीं नहीं दोस्तों, मैंने त्रिकोणमिति में पढ़ा था, क्लास टेंथ का वीडियो आप देखे होंगे तो बताए थे कि साइन के जो है लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि लंब क्या है ये है, कर्ण क्या है ये है, यानी यहाँ से आप क्या लिखेंगे एच बाई सी। यहाँ जो है एच के वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे एच बराबर सी साइन बी, ओके दोस्तों। आप यहां से जो है साइन सी निकालिए, साइन सी निकालेंगे आधार बटे कर्ण यानी एच ए बटे बी। देखिए साइन सी, साइन सी बराबर लिखेंगे क्या ये आधार होगा था, नहीं नहीं मैं फिर से बता रहा हूं कि आप गलत कर रहे हैं, साइन सी में भी वही लगेगा लंब बटे कर्ण यानी कि एच बाई बी। आप यहां से जो है एच बराबर निकालेंगे तो डायरेक्ट वे में कर सकते हैं कि बी साइन सी, इसको आप समीकरण एक मानिए, इसको समीकरण दो, ओके। तो आप कह सकते हैं कि समीकरण एक व समीकरण
दो से। ओके देखिए एच जो है बराबर है तो आप ये दोनों को बराबर कर सकते हैं, यानी हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि सी साइन बी बराबर बी साइन सी। आप यहाँ से दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं कि सी बाई साइन सी, सी बाई साइन सी बराबर बी बाई साइन बी। आप इसको पता है, आप इसको ऐसे देखिए सी का निकल गया बी का निकल गया, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ए बाई साइन ए ही होगा। ध्यान समझिए कैसे आप निकालेंगे इसका। ए का निकालने के लिए आप यहाँ से ऐसे खींचेंगे, लाइन ड्रॉ खींच दीजिए, फिर इसको देखिए एच ए हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा, ये जो है कर हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इसलिए यहाँ पर ऐसे प्रूव किया जाता है। नाइन्थ में हम ऐसे नहीं पढ़े थे, नाइन्थ में बस ये सर जो है फार्मूला लिखवा दिए थे, उसके बाद बोले कि हो गया चलो आगे बढ़ते हैं। आपको ऐसे जो है खाली बताए थे। ओके दोस्तों अब देखिए ये जो है एक फार्मूला होता है, इसको भी समझिए ध्यान से। ऐसे मान लीजिए त्रिभुज दिया है, ये मान लीजिए थीटा है, ये एक्स है, ये वाई है। आपको पूछेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे वन बाई टू इंटू एक्स इंटू वाई। आप ऐसे कर सकते हैं सिंपल वे में। ओके अब देखिए कॉन्सेप्ट पहला बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन जो है आपको तभी आएगा जब आपको थ्योरम अच्छे से याद रहेगा। जब आपको थ्योरम नहीं याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो है फर्स्ट प्रायोरिटी आपका यही रहना चाहिए कि आपको थ्योरम आना चाहिए। अगर आपको थ्योरम आएगा तो कभी दिक्कत नहीं होगा। ओके देखिए पहला कंसेप्ट बता रहा हूँ, कम से कम थर्ड कंसेप्ट तक आज बताएंगे। हालांकि ये सब जो है कंसेप्ट है लेकिन वो सवाल बेस्ड पे कंसेप्ट बताएंगे। देखिए ये पहला है, ये मान लीजिए त्रिभुज है, ये आपको क्या लग रहा है, ये राइट एंगल लग रहा है। तो आपको ये मान लीजिए 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। आपको मैंने फार्मूला लिखवाया हूं कि साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी, ये आपको फार्मूला 100% याद होना चाहिए। आप यहाँ से लिख सकते हैं 45 डिग्री रेशियो 45 डिग्री रेशियो 90 डिग्री। ओके इसका मान होता है 1/√2, तो ये 1 रखेंगे, 1/√2 1 लिखेंगे, रूट टू जो है इधर आ जाएगा, यानी रूट टू हो जाएगा। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। सवाल में आपका कभी ऐसे दिया रहेगा, मान लीजिए इसका मान जो है 17 दे दिया। ओके दोस्तों आप इसको जो है 17 लिखेंगे, आप डायरेक्ट जो है इसको क्या लिखेंगे 17√2। ओके ऐसे लिखेंगे, जब आपको थ्योरम पता रहेगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप ध्यान से आगे समझिएगा, ये त्रिभुज है। सेकेंड कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान समझेंगे तभी आएगा। ये मान लीजिए त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये तो आपको पता होगा। आप क्या लिखेंगे, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। ओके आप इसका मान पता है, आपको पता होगा 1/2 होता है, इसका मान 1√3/2 होता है, इसका मान 1 होता है। तो आप जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं 1:3:2। कहने का मतलब आप जो है इसका रेशियो ये निकल जाएगा। ओके क्या होता है ना कि आपको क्वेश्चन में ऐसे दे दिया रहेगा, डायरेक्ट वे में आपको सॉल्व करना रहेगा। सपोज दैट ये मान लीजिए आपको दे दिया रहेगा 3। ओके आप इसको जो है क्या लिखेंगे, ये तो डायरेक्ट जो है 2 हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे दोस्तों 3√3 ऐसे लिखेंगे। या तो सपोज दैट आपको ऐसे समझिए ये 12 दे दिया रहेगा। ओके तो आप क्या करेंगे,
ऐसे दे दिया रहेगा। मान लीजिए इसको ऐसे मत समझिए, ये मान लीजिए 17√3 दे दिया जाएगा, ये क्या होगा 17 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था ना कि इसका दुगना ये हो जाएगा, यानी 17 × 34 ऐसे हो जाएगा। अगर आप जो है ये समझ में आया हो, देखिए ये समझ में आएगा ना तो आप डायरेक्ट वे में इसको जो है सॉल्व कर पाएंगे। सवाल में ज़्यादातर ऐसे ही पूछता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखिए आगे मैं जो है साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद जो है आप लगाएंगे जो जो है ज़्यादा समझ में आएगा। कहने का मतलब थर्ड जो है समझने से पहले आप उसको जो है पहले फार्मूला समझिए कि फार्मूला होता क्या है। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फार्मूला पहले समझिए। देखिए साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका होता है साइन ए कास बी, प्लस है तो प्लस लगाओ, कास ए साइन बी। ओके दोस्तों, यही चीज माइनस रहेगा ना तो बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा। कहने का मतलब साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी, आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके आप जो है फार्मूला पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद जो है सवाल आपको बताएंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ऐसे भी तो मुझे अगर करना रहेगा तो मैं जो है डायरेक्ट वे में जो है सॉल्व क्वेश्चन को कर दूंगा। आपको जो ऐसे सवाल में दिया रहेगा दोस्तों, ऐसे सवाल में दिया रहेगा कि 15 डिग्री, 75 डिग्री और कितना रहेगा 90 डिग्री। ओके ऐसे आपको दिया रहेगा तो आप इसका वैल्यू पता है क्या लिखेंगे, √3 − 1 ratio √3 + 1 ratio √2। आप इसको ऐसे निकालेंगे, लेकिन जिस बच्चों को नहीं आता होगा वो समझेंगे कि कैसे डायरेक्ट सर बता दिए। समझिए ध्यान से, आप 45 को क्या लिखेंगे, साइन 45 − 30। देखिए ऐसे साइन 45 − 30 आप ऐसे लिख सकते हैं रेशियो। इसको क्या लिखेंगे, साइन 45 + 30 रेशियो साइन 90 डिग्री। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कैसे लिखे हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, 15 डिग्री को मैंने 45 − 30 लिख दिया, 45 में से 30 घटाएंगे आपका 15 ही आएगा। इसी प्रकार से साइन 45 + 30 लिखे हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 75 ही आएगा। इसी प्रकार से 90 डिग्री लिखे हैं, ये आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ध्यान समझिएगा, साइन ए प्लस बी का फार्मूला आपको लिखाए थे साइन ए इंटू कास ए कास बी सॉरी ओके साइन ए का मतलब 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, कास बी इसका मान होता है √3/2। देखिए माइनस है, बीच में माइनस लगाओ, कास ए यानी 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से इसको करिए, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, कास 30 डिग्री का मान होता है √3/2, प्लस है प्लस लगाओ, कास ए मतलब 45 डिग्री का मान 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री का मतलब 1/2 रेशियो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ओके देखिए ये √3 हो जाएगा बटे 2√2 हो जाएगा, इसी प्रकार से 1 हो जाएगा बटे 2√2। नीचे का जो है सेम है तो आप इसको पता क्या लिखेंगे, √3 − 1/√2 रेशियो, आप इसको क्या लिखेंगे, √3/2√2। ओके दोस्तों देखिए ना, अब जो है इसको जो है प्लस 1 करेंगे क्योंकि ये दोनों का जो है डिनोमिनेटर सेम है, रेशियो 1 है तो 1 लगाओ।
अब इसको ऐसे कर सकते हैं, रूट थ्री माइनस वन रेशियो रूट थ्री प्लस वन रेशियो, देखिए टू रूट टू यहाँ आ जाएगा, टू रूट यहाँ आ जाएगा, टू रूट टू यहाँ आ जाएगा, बस सिंपल है। आपको जो है सवाल में कैसे जो है अप्लाई होगा मैं वो भी बताऊंगा, बट इससे पहले आप जो है क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए कि सर कैसे बताए हैं। देखिए दोस्तों आप जो है उसी पे रिलेटेड क्वेश्चन मैं हम बताने जा रहा हूँ, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है किसी त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर 30 डिग्री व एंगल सी बराबर 45 डिग्री है, यदि बीसी बराबर 50 सेंटीमीटर है तो एबी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान समझेंगे आप ऐसे है, ओके ये ए है ये बी है ये सी है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि BC बराबर 50 सेंटीमीटर यानी इसका लंबाई दिया है 50 सेंटीमीटर, B एंगल B बराबर 30 डिग्री, एंगल C बराबर 45 डिग्री, ओके आपको ऐसे दिया है। और क्या कर सकते हैं आप इसमें दोस्तों, ऐसे लाइन ड्रॉ करिए, जब भी ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा ये 90 डिग्री होगा, तो ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ओके ये 30 डिग्री ये 90 डिग्री, 90 30 120 यानी कि ये 60 डिग्री बचेगा। टोटल आप टोटल देखेंगे तो 105 डिग्री का एंगल बन रहा है, ओके दोस्तों अब ध्यान समझिएगा आप इसको कैसे जो है सवाल को सॉल्व करेंगे। आप देखिए सवाल को सॉल्व करने के लिए आप लिखेंगे ए बी बचे ये 50 सेंटीमीटर बराबर लिखेंगे साइन 45 डिग्री, टोटल जो है 105 डिग्री यानी साइन 105 डिग्री। आप ए बी बराबर क्या लिखेंगे, ए बी बराबर 50 गुड़े, देखिए साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 हो जाता है, साइन 105 डिग्री, साइन 105 डिग्री को आप पता है क्या लिखेंगे, साइन जो है 60 प्लस 45 डिग्री। तो आप इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, साइन 90 माइनस 105 आप इसको जो है वैसे ही निकालिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप जो है मैं बताया था पहले ही कि क्या बताए थे, आप इसको क्या लिखिए साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो उतना होगा। देखिए साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, ओके दोस्तों प्लस है तो प्लस लगाओ। अब का से यानी 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन बी का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, कहने का मतलब आप इसको लिखेंगे √3 + 1/√2, ये जो है टोटल इसका जो है आ जाएगा। तो आप इसे यहाँ से लिखिए √3 + 1/√2, देखिए आप इसको ऐसे करेंगे तो क्या लिखेंगे 50 गुणे, देखिए रूट टू रूट काट दीजिए, ओके टू ऊपर जाएगा 2/√3 + 1, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आपको पता है कि नीचे जो है रूट में नहीं लिखेंगे और तब क्या करेंगे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप √3 - 1/√3 - 1 कर सकते हैं। तो आप दोस्तों ऐसे आप लिख सकते हैं 50 दुनी के सौ हो जाएगा, कोष्टक में √3 - 1 हो जाएगा, देखिए √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और -1 के स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, कहने का मतलब 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, आप बटे 2 कर सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 50 आएगा, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 50 कोष्टक में √3 - 1, ओके आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन को आप पहले नोट कर लीजिए। देखिए जो है आप देखिए कोसाइन पढ़ाने वाला हूँ, कोसाइन में कुछ फार्मूले इम्पोर्टेंट होता है आपको जो है याद होना चाहिए, ओके कोसाइन ध्यान समझिएगा। नहीं तो इसको कॉर्नर पे लिखिए, आप इसको यहाँ लिखिए, ओके ये है
बी है, सी है, इसके सामने का एंगल ए हो जाएगा, इसके सामने का एंगल सी, इसके सामने का एंगल बी हो जाएगा। आप इसका फार्मूला क्या लिखेंगे? लिखेंगे आप कास ए बराबर, कास ए बराबर लिखेंगे दोस्तों बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे टू बी सी। ओके दोस्तों, आप इसको जो है कास बी लिखिए, कास बी बराबर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे टू ए सी। अब इसको लिखिए कास सी, कास सी बराबर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे टू ए बी। ये आपको जो है आशा करता हूँ क्लास टेंथ में पढ़े होंगे। अब इसको यहाँ से आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर दोस्तों बहुत कुछ लिखेंगे, कहने का मतलब ए स्क्वायर आप इसको मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे और फिर इस तरफ भेजेंगे, तो यानी यहाँ से ऐसे कह सकते हैं कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी इंटू कास ए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार से ये जो है बी उस तरफ जाएगा तो बी स्क्वायर बराबर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या लिखेंगे, इधर कास आएगा तो माइनस हो जाएगा टू ए सी कास सी। ओके दोस्तों, आप इसी प्रकार से सी स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कास सी लिखेंगे। ओके, देखिए सवाल में कैसे पूछता है, आपको ऐसे दिया रहेगा, कहने का मतलब ये ऐसे सवाल दिया रहेगा, ये मान लीजिए सेवन है, ये एट है, ये फाइव है, ये मान लीजिए थीटा है। ओके, आपको पूछेगा कि कास ए बराबर यानी कास थीटा बराबर निकालिए, तो क्या निकालेंगे ध्यान समझिएगा, कास थीटा बराबर निकालेंगे तो आप जो है किसका स्क्वायर करेंगे ध्यान समझेंगे, आठ के स्क्वायर चौंसठ, पाँच के स्क्वायर पच्चीस माइनस सात के स्क्वायर उनचास, देखिए टू इंटू फाइव इंटू एट हो जाएगा, क्या है कास ए बराबर दोस्तों लिखा हूँ। ओके, देखिए चौंसठ पच्चीस क्या हो नवासी, नवासी में से इतना घटाएंगे तो चालीस आएगा, चालीस आठ पंच चालीस दोनों के अस्सी, यानी कि चालीस बटे अस्सी, कहने का मतलब कास ए बराबर चालीस बटे अस्सी माने एक बटे दो। अब इसको कास ए बराबर कास सिक्सटी डिग्री आप इसको लिख सकते हैं, कहने का मतलब थीटा निकालना है ना, तो थीटा निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप ऐसे कर सकते हैं, तो कास से कास तो कट जाएगा, यानी मेरा फाइनली आंसर जो है थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगा। देखिए जो है क्वेश्चन में आपको ऐसे ही पूछेगा। ओके दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। देखिए जो है क्वेश्चन जो है अच्छे अच्छे मैं लाने बहुत जो है पहले प्रयास करता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ओके, एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।